बाकी बाकायदे पूरी तैयारी के साथ कहानी पर अपनी बात रखी है और ऐसा विशेष निकाल कर इस समय बात करना उतना वाजिब नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो मुझे कहना है कि समय और समाज के साथ जो व्यवस्था में फिट नहीं है वो मारा जाता है। तो इस लिहाज से ये कहानी जो है वो आज के समय और ऐसी जितनी भी कहानियाँ लिखी गई हैं ऐसी कहानियाँ, उन्होंने बहुत कहानियाँ ऐसी पढ़ी हैं जो व्यवस्था का प्रतिपक्ष रचती है और उसमें से मरते हुए नायक को जो है मरते हुए व्यक्ति को अपना नायक चुनती हैं जो फिट नहीं हो पाता है। अच्छा, नायक कौन होता है? अक्सर नायक वह होता है जो फिट नहीं होता है, नहीं तो अगर वो सभी लोग उस व्यवस्था के साथ अगर चल रहे हैं तो फिर उस धारा के साथ चल ही रहे हैं। हमें रामलीला कहानी अच्छी इसलिए लगी क्योंकि प्रेमचंद की कहानी अच्छी लगी, इसलिए नहीं क्योंकि वो आज के समय में एक अलग तरीके से प्रस्तुत करती है। जैसे ये कहानी, इस कहानी का जो नायक है, मुझे बड़ा आश्चर्य होता अगर कि ये नायक बचा रह जाता है, मुझे घोर आश्चर्य होता। उसका कारण यह है कि ये आज के समय और उसके पहले का भी समय जो लोग खुली आंखों से अगर देख रहे हैं, मात्र वो अखबार अगर पढ़ रहे हैं तभी वो मानने के लिए तैयार कतई नहीं होंगे कि वह आदमी चाहे वो राजनीतिक तंत्र में है चाहे वो एकेडमिक तंत्र में है, मैं तो कहता हूँ लेखन की दुनिया के अंदर का जो पूरा सिस्टम है वो आदमी चल नहीं सकता है। तो शंकर जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने बड़ी स्थूल तरीके से लेकिन सूक्ष्मता तक जाकर एक प्रतिपक्ष रचने की कोशिश की और जो एकदम सामने सीधे नहीं है लेकिन सामने भी है, जैसा प्रेम जी ने कहा कि व्यक्ति मर चुका है लेकिन उसके बाद बराबर वो सामने है, प्रतिपक्ष रचता है और वह प्रतिपक्ष उसका नायकत्व तो है जो व्यवस्था के वो खड़ा है सामने, मारा जाता है लेकिन मारा जाने के बाद भी वो लड़ रहा है। बहुत बहुत साधुवाद दोनों कहानीकारों को, संजीव जी अभी से नहीं, विवेक जी यहाँ पर हैं तो बहुत पहले से हम लोगों के कथा की दुनिया के नायक हैं और आज भी हैं, तो वो कहानी मिली नहीं हम लोगों को और बाद में पता चला आज 12 बजे प्रेम जी ने बताया कि संजीव जी भी आ रहे हैं, तो तहे दिल से सबका शुक्रिया। रमेश सर मुझे पढ़ाए हुए हैं के दौर में, सबका स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे कार्यक्रम।